जे जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब में ये प्रूव कर दिया था कि यस देयर एग्जिस्ट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज़ वेरी स्मॉल, और उसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने पूरे फिजिक्स में हलचल मचा दी, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और वहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी तो उस लाइट की वजह से उस सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले इन 1887 हर्ट्ज ने स्पार्क गैप के बीच में अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से करंट का फ्लो बढ़ता है ये नोटिस किया। एंड अगर ये गैप है और इनके बीच में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जम करके जा रही है, और ऐसे में अगर इसको अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज किया जाए तो ये करंट और बढ़ जाता है, ये नोटिस किया था हर्ट्ज ने इन 1887। तो क्या था जिसकी वजह से स्पार्क प्लग के बीच का करंट बढ़ जाता है? इसको स्टडी करने के लिए हॉलक एंड लेनॉर्ड ने एक सेटअप बनाया। इस सेटअप में क्या कंस्ट्रक्शन था उनका, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया गया, मतलब रॉड या ट्यूब कहिए, और उस ट्यूब में दो प्लेट लगाई गई, एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव सप्लाई दिया गया और एक को निगेटिव। तो इसको हम देंगे निगेटिव सप्लाई और इसको देंगे पॉजिटिव सप्लाई। जिसको निगेटिव सप्लाई देंगे उसको कैथोड कहेंगे और जिसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे उसको एनोड कहेंगे। उसके बाद में यह एक विंडो बनाई गई क्वार्ट्ज की, जिस क्वार्ट्ज के विंडो के जरिए जो भी इंसिडेंट लाइट होगा या रेडिएशन होगा वो इस प्लेट पर गिरेगा, और जैसे ही वो इस प्लेट पर गिरेगा तो इस प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स देन विल बी कलेक्टेड बाय द एनोड, और फिर ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल नोटिस सम करंट। इस करंट को हम कह सकते हैं फोटो करंट, यहाँ जो भी मिलेगा फोटो करंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? और ये एक कम्यूटेटर स्विच है, अगर जरूरत पड़ी तो इस कैथोड का और एनोड का पोटेंशियल आप चेंज कर सकते हो एक कम्यूटेटर स्विच से। एक घुमा दें तो निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास में एक रियोस्टेट अरेंजमेंट पे है जिससे आप पोटेंशियल को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो उन्होंने जो स्टडी की उसका उनको जो नतीजा मिला वो ये था कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर सुटेबल फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराया जाए, मतलब उसके ऊपर वो गिरे सुटेबल फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस वजह से हुआ? फोटोन की वजह से हुआ, यानी लाइट की वजह से हुआ, और इसलिए इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, आपने इसको कॉपी कर लेना है। ओके, उनके ये ध्यान में आया कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम ऐसे जो मटेरियल है ये अल्ट्रावायलेट लाइट उनके ऊपर गिरने के बाद ही ये फोटो इमिशन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद में से बाहर निकालते हैं। और दूसरे जो अल्कली मेटल्स है वो तो अपने विजिबल लाइट गिरने के बाद भी, यानी सामान्य लाइट पर भी इमिशन देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सुटेबल फ्रिक्वेंसी का, उसे को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस इफेक्ट के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बातें आपको बेसिक समझ में आ गई होंगी। तो उन्होंने जो स्टडी किया उसका जो भी ऑब्जर्वेशन था वो इन ग्राफ्स में बताया गया है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ देखते हैं। तो शुरुआत में हमने क्या किया, जो रेडिएशन है इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम रखकर प्रयास शुरू किए। तो पहले कम रखा और फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते गए। तो जब फ्रीक्वेंसी कम थी, एक खास फ्रीक्वेंसी से वो कम थी, तो हमने देखा कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलता, नो करंट इज फाउंड। फिर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए और एक समय ऐसा आ गया कि एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, अचानक हमें फोटो करंट मिलना शुरू हो गया। ये वाई एक्सिस पर फोटो करंट हम प्लॉट करेंगे, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी इसके पहले करंट नहीं मिलेगा, इसके बाद में करंट मिलेगा। तो ये एक नोटिस था। क्या नोटिस किया उन्होंने कि दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस फॉर अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब बिलो दैट फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन पॉसिबल। ओके, ये एक बात थी। और उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं चलेगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी चलेगी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि जिस फ्रीक्वेंसी के लिए वो करंट दे रहा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी के लाइट हमने लिए और उसको फिक्स कर दिया। नाउ फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड में फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड कर दिए और वो फ्रीक्वेंसी चुने जिसके लिए हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी चुनते जिसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसका यूज यहाँ पे नहीं होता। यहाँ वही फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की गई है जिसके लिए करंट मिल रहा है और उसे हमने फिक्स कर दिया। फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग बट वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग द इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमने देखा कि लीनियरली फोटो करंट भी बढ़ेगा, मतलब देर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। मतलब अगर ये एक से बढ़ा है तो ये भी उतने ही इससे बढ़ेगा, इसको अगर डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाता है। लीनियरिटी इन प्रोपोर्शंस, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया ये। ओके, सो द करंट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी, ये हमारा नोटिसेबल पॉइंट हो गया इसके लिए। और यहाँ पर यहाँ इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि द फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद में हमने क्या किया कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अगर आपने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा, तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ में करंट बढ़ता है। मान के चलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले होंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं पहुँचे होंगे, पर जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो इसका पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गई, तो इसके फील्ड की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलेगा आपको। और ज़्यादा मिलेगा और पोटेंशियल बढ़ाओगे और थोड़ा करंट बढ़ेगा, पर एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचने लगेंगे, तब उसके बाद चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ाओ आपका करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। इसलिए जैसे ही आपने पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया तो आपका करंट कांस्टेंट हो गया, मतलब आपको सैचुरेशन मिल गया, इसके बाद में करंट नहीं बढ़ रहा है। और ये जो अलग अलग दिखा रहा हूँ ना मैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यूज आएगी आपके पास में। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को रिवर्स करना शुरू कर दिया, मतलब नेगेटिव करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पोटेंशियल निगेटिव किए तो ये वैल्यूज डिक्रीज होने लगी, मतलब फोटो करंट डिक्रीज होने लगा, और फोटो करंट डिक्रीज होते होते एक विशिष्ट पॉइंट पर आके वो जीरो हो गया। तो जो निगेटिव पोटेंशियल फॉर विच द फोटो करंट बिकम्स निगेटिव इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल कहलाया फिर, स्टॉपिंग। इसका अगर आपको समझना है, इसके फील लाना है, तो ये देखिए, अगर इसको आपने निगेटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा, इसके बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए फिर भी यहाँ पहुँचेंगे। इसका नेगेटिविटी और बढ़ा दिए तो और ज़्यादा अपोज होगा, तो अब बचे खुचे एक दो भी पहुँच पाएंगे, बाकी के तो नहीं पहुँचेंगे। और फिर और ज़्यादा इसको नेगेटिव कर दिए तो एक दो जो आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। तो इसका रिपल्सन पावर जो होगा नेगेटिव की वजह से ये बढ़ते जाएगा, तो एक 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 करके इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे और फाइनली जीरो हो जाएंगे, तो करंट जीरो हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने दिखा है कि फोटो करंट जीरो हो जाएगा अगर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो खास नेगेटिव पोटेंशियल के लिए वो जीरो हो रहा है, और इसे हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। इसके ऊपर और मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली बताऊंगा आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है 1/2 mv², तो इसको इतनी ही नेगेटिव एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जो कि a(v₀) के फॉर्म में होगी, तब ये जाकर स्टॉप होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि
अगर आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का यूज किया, ये तो अलग अलग इंटेंसिटीज के ऊपर हमने यूज किया था, एक की फ्रीक्वेंसी पकड़ा था उसके अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर अलग अलग करंट मिला था हमको, ठीक है। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ये होता है मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये नहीं होता है कि मोर पावरफुल फोटॉन, मोर एनर्जी ऑफ फोटॉन, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा मान के चलिए कि एक इंसान है जो 100 किलोग्राम वजन नहीं उठा सकता है, तो हमने 100 इंसान बुला लिए और वो एक एक करके वजन उठाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उन 100 में भी कोई पावरफुल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ पर होता है, भले ही आप इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ा दो पर उनमें से फोटोन जो है किसी भी फोटोन की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, भले ही फोटोन की संख्या ज़्यादा हो। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये वन ऑन वन प्रॉपर्टी है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही डील करेगा, दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को डील नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर देखा कि कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको मिलता है। तो जैसे फ्रीक्वेंसीज वैरी हो रही है वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वैरी हो रहा है, इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी में ही कुछ ऐसा है जो इनकी एनर्जी को कम अधिक कर रहा होगा। तो वी विल सी लेटर, तो मैं कुछ देर के बाद में उसके बारे में बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं उसके साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। और एक बात, अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन देखा तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, और जैसे आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो रहा है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी को आप कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होती है। कुछ कैरेक्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि किसी भी मटेरियल के लिए देर इज अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, जिसके आगे ही मिलेगा। तो इस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हमारा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इंटेंसिटी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। इफ़ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। एंड अवर थर्ड पॉइंट इज दैट द काइनेटिक एनर्जी हमको कैसे पता चली, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से पता चली, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी मानी जाएगी, ये रिलेशन है उसका। ई इंटू वी जीरो इज अ वर्क डन बाय द पोटेंशियल वी नॉट एंड दैट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की पूरी तरह से अगर आपको स्टॉप करना है, मतलब वहाँ पर नो करंट विल ऑब्जर्व, देन आपको वी जीरो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी से हमको पता चलता है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे इंक्रीज कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी को वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया है ना। तो हम ये कह सकते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट होगा दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। और एक बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। अगर अलग अलग इंटेंसिटी पे हमने देखा तो करंट तो अलग अलग मिल गया अलग अलग इंटेंसिटी के ऊपर, पर फ्रीक्वेंसी एक ही थी हमारी, तो एक ही फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इंटेंसिटी का इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर असर नहीं हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी पे असर नहीं हुआ। तो वही हमने थर्ड पॉइंट में लिखना है दैट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। और फोर्थ पॉइंट है कि एज शून यू इरेडिएट द सर्फेस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, मतलब देर इज इंस्टेंटेनियस फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, कोई टाइम लग। इतिहास में साइंस की दुनिया में जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन को हम उनके ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये मास एनर्जी रिलेशन की वजह से पहचानते हैं। और आपको भी अगर किसी ने कहा कि आइंस्टीन के बारे में जानिए तो आपके सामने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये क्वेश्चन आता होगा।
पर उनके जीवन काल में उनको नोबेल अगर मिला था तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिला था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने 1905 में एक्सप्लेन किया था, प्लैंक्स की आइडियाज को थोड़ा एक्सटेंड किया उन्होंने, और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन के लिए उनको नोबेल मिला था। ज़रा सोचिए कि उसके लिए उनको नोबेल मिला था। और उनका जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह था, जिसके लिए कि वो बहुत ये मिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक अपना रिलेटिविटी वगैरह, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये उस समय के तात्कालिक साइंटिस्ट के समझ के परे की बात थी। मतलब तो वो लोग कन्फ्यूज थे कि सही है गलत है, फाइन। तो उन्होंने दो एजम्पशंस बनाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उनका पहला एजम्पशन था, उन्होंने जो दो बनाए उनमें से पहला एजम्पशन उनका था, फर्स्ट दैट द फोटोन इज अ डिस्क्रीट और ए क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि क्वांटा ऑफ एनर्जी है और एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, जहां पर एच होगा प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, ये वाला एक पहला कॉन्सेप्ट था, और उसका एनर्जी एच न्यू होगा, ये पहला उसका एजम्पशन था। सेकेंड एजम्पशन ये था कि एज सून दिस फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, तो सरफेस के जो एटम हो गए, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन हो गए, उन इलेक्ट्रॉन को पूरी की पूरी एनर्जी इंस्टेंटली दे देते हैं। सो दे ट्रांसफर होल एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली, इंस्टेंटली एज दे कोलाइड विद देम, एज दे कोलाइड विथ देम। तो ये दो उनके एजम्पशंस थे, इनके आधार पर उन्होंने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मटेरियल के लिए आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझो एच न्यू मान लिए, तो वो फोटोन का एनर्जी होगा ये, और ये वो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी जो उस सरफेस से, उस पर्टिकुलर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होगा। तो इसको उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, डिनोटेड बाय फाइ नॉट। तो क्या दिया इसको नाम उन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और इसको उन्होंने डिफाइन किया द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मटेरियल, इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। और उन्होंने उसके बाद में कहा कि ये जो एनर्जी है इतनी ही उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने कोई एच न्यू अमाउंट ऑफ फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट कराया, तो ये एच न्यू में से एच न्यू जीरो तो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है, तो ये एच न्यू जीरो अगर उसमें से निकाल दो तो जो बचेगी एनर्जी दैट इज यूटिलाइज एज अ काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी बचेगा, डिफरेंस बचेगा, उसको जरूरत थी एच न्यू जीरो की और आपने एच न्यू सप्लाई कर दिया, एच न्यू बड़ा होगा, समझो ये 10 है और ये मान के चलो 3 है, तो 10 में से 3 गए तो बचे कितने, 7, तो 7 अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी कोई भी हम नहीं बता सकते, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हम नहीं बता सकते। तो देखिए, ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एच न्यू एनर्जी आकर टकराई, तो एच न्यू में से एच न्यू नॉट इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा और वो वहाँ से फ्री हो जाएगा। तो जो बची हुई एनर्जी है, वो बची हुई एनर्जी से उसको स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस पे होंगे तो उनको पूरी की पूरी एनर्जी मिल जाएगी, कुछ लोग अंदर होंगे तो एक दूसरे को धक्का मार कर वो बाहर आएंगे, तो उनकी एनर्जी शुरुआत में ही खर्च हो जाएगी, तो अब उनके पास में कम वेलोसिटी है। कुछ तो इतने अंदर होंगे कि उनके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी, सरफेस पे आते आते ख़त्म हो जाएगी एनर्जी। इसका मतलब
अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के पास में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। बस आप ये कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है वो आपको पता चलेगी बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसीलिए जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, तो धीरे धीरे करंट कम हुआ, क्योंकि जिनकी एनर्जी कम थी वो पहले स्टॉप हो गए और आखिर में उस जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी वो रुका, जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था। तो यहाँ हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर सकते हैं। तो वही ये इक्वेशन बन गया। तो इन्होंने कहा कि 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू की इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन एक्सप्लेन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। जो इसके पहले ऑब्जर्वेशन की है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन, इसके आधार पे हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके लिए नोबेल मिला था इनको। तो यहाँ आप देख रहे हो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट पे डिपेंड है, मतलब न्यू माइनस न्यू नॉट पे डिपेंड है। अगर इस न्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा है न्यू नॉट से, तो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और तब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे विद सम वेलोसिटी, ठीक है। और अगर ये वी छोटा है न्यू नॉट से, तो इतनी एनर्जी आएगी नहीं, ये जो निगेटिव हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी ही नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही नहीं होंगे, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। और ये अगर इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, तो फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इमिशन तो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट हो जाएंगे, पर उनके पास में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये तीन बातें हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। इसके बाद भी देखो, क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर आपके पास में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप उसी फ्रीक्वेंसी के फोटॉन बढ़ा रहे हो, तो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही, उसके नंबर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा करंट मिलेगा। मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटॉन, एंड मोर फोटॉन्स मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, इज दैट क्लियर। बट उनकी काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स हो जाएंगी, फिर भी काइनेटिक एनर्जी फिक्स होंगी, क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ डील करेगा। और इस तरह से अगर ये न्यू फिक्स कर दिया आपने, तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो ज़्यादा करंट आएगा, ये हो सकता है इसमें। और उन्होंने ये भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, यानी अगर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दो तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया। और सेकेंड, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कॉलिजन का नतीजा है, मतलब जब फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन को टकराता है, टकराते ही अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और इंस्टेंटेनियसली ये इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक एप्लीकेशन है बेस्ड अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उस एप्लीकेशन का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। एक डिवाइस बनाते हैं, आजकल तो नहीं बनाते पर बहुत पहले बनाते थे, ठीक है। उसमें होता क्या है कि एक फोटो सेंसिटिव प्लेट रहती है इस तरह से, और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट जो है उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी, जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करे, जैसे इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सामने एक एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल कर इस एनोड पर आ जाएंगे, और एनोड के जरिए वो फिर ये पाथ को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे उनकी वजह से यहाँ पे हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, मतलब एक सिंपल सा मान के चले कि स्विच का काम करेगा। जैसे ही लाइट होगी तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, अगर लाइट नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। दिस इज अ सेंसर विच कैन सेंस द लाइट, और इसी आधार पर अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग करंट मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो इसका यूज़ हम बहुत ही पहले करते थे, आजकल तो बहुत मॉडर्न डिवाइसेस आ गए हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस आ गए हैं, इंफ्रारेड रिसीवर्स आए हैं, तो अभी इनका यूज़ नहीं होता है, पर एक समय होता था। तो पहला यूज़ इसका था एक्सपोजर मीटर का,
तो क्योंकि ये इंटेंसिटी के हिसाब से फोटोइलेक्ट्रिक करंट कम ज्यादा होता है, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट ये लीनियरली इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। मतलब अगर ज्यादा लाइट है इसका मतलब ज्यादा करंट है, तो आप कह सकते हो करंट कम होने के बाद कि भाई इंटेंसिटी कम हो गई है। जनरली स्पोर्ट्स वगैरह में या बड़े मैदान में कोई भी कार्यक्रम होते थे तो फ्लड लाइट की जरूरत है या नहीं है, इसलिए एक्सपोजर मीटर की जरूरत पड़ती थी। खैर उसके बाद में बर्गलर अलार्म, मान के चलिए पूरा सेटअप हमने टेबल के नीचे लगा दिया और ऊपर से लाइट उसके ऊपर गिर रही है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने कोई गहना वगैरह रख दिया, ऑर्नामेंट रख दिया, कोई महंगी चीज़ रख दी और लाइट उसके आर पार नहीं जा सकती, इसलिए अभी फिलहाल इसमें कोई करंट नहीं है। पर जैसे कोई चोर आएगा और उसको उठाएगा तो ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी और करंट फ्लो होगा और ये अलार्म बजेगा। तो इस तरह से बर्गलर अलार्म करके भी यूज हो सकता है। सेकेंड, साउंड रिप्रोडक्शन पिक्चर। बहुत पहले क्या होता था, जब नया नया मूवी आई थी तो उस मूवी में साउंड भी आने लगा। पहले तो मुक मूवी आती थी, मतलब आवाज़ नहीं होती थी, साउंडलेस होता था, फिर साउंड आने लगा। तो साउंड एक सेपरेट मशीन में बजाया जाता था, रिकॉर्डिंग भी सेपरेट होती थी। तो पिक्चर चालू करने के बाद में साउंड भी चालू करना पड़ता था, कभी कभी लिप सिंक नहीं हो पाते थे बराबर। फिर उन्होंने इसके ऊपर एक उपाय क्या निकाला कि ये जो हमारा रोल है जो प्रोजेक्टर के आगे ये घूमता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पिक्चर्स होती है, ये एक पिक्चर है, इसके बाद में सेकेंड पिक्चर है, तो ये ऐसे चलते रहेंगे पिक्चर उसके अंदर। इज दैट क्लियर? अब बिकॉज ऑफ दिस एक प्रॉब्लम उन्होंने क्या सोचा कि अगर लिप सिंक नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम साउंड यहीं पे रिकॉर्ड कर ले साइड बाय साइड। तो उन्होंने यहाँ पर साउंड को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर गिरेगी तो उसकी इंटेंसिटी के अनुसार करंट कम ज़्यादा होगा, और वो कम ज़्यादा होने वाले करंट को अगर हमने स्पीकर को दिया तो वहाँ से आवाज़ आएगी। मतलब साउंड रिप्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता था। आजकल तो टेक्निक्स बहुत मॉडर्न आ गई हैं। चलो खैर, तो इन सबका फ़ायदा क्या हुआ, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के बाद हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वी गेट कन्फर्म, हमें कन्फर्मेशन मिल गया कि यस लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल इन सम केसेस एंड इट बिहेव्स लाइक अ वेव इन सम केसेस। तो इससे हमको पता चला कि इट इज़ हैविंग अ पार्टिकल नेचर आल्सो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल व्हेन इट इंटरैक्ट विद द मैटर। किसी मैटर के साथ में, किसी सब्सटेंस के साथ में जब वो इंटरैक्ट करती है तो किसी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और आइंस्टाइन ने बता दिया था कि जिस तरह से एक फोटोन को हम एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं इस तरह से, उसी तरह से उसको एक मोमेंटम भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो एक एक फोटोन को एक एनर्जी भी होगी और एक मोमेंटम भी होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा, और ये दोनों मैटर की किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वेव की प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी वेव को मोमेंटम नहीं होता है। और ये जो एनर्जी है और ये मोमेंटम है ये गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए फिक्स होता है, चाहे इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा दो, पर अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो ये दो वैल्यू भी फिक्स होगी। ओके, हमें ये भी पता चला कि ये जो फोटोन है जो पार्टिकल की तरह बिहेव करते, एक क्वांटा की तरह बिहेव करते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और जब ये जाकर इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करते हैं फोटोन, तो इनका एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है।